सो हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज टेक न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं टेक न्यूज के, वो भी 2019 खत्म होने से पहले, यानी कि हमने सेंचुरी बना डाली है। और ये 100 एपिसोड कंप्लीट हो पाए आपकी वजह से, क्योंकि आप हर रोज टेक न्यूज को देखते हो, इसे लाइक करते हो, कॉमेंट भी करते हो, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। अगर आप ये टेक न्यूज नहीं देखते तो हम 100 एपिसोड तक पहुंचते ही नहीं। और आपको और मुझे दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिए है 100 एपिसोड ऑफ टेक न्यूज। और आज भी मैं आपके लिए टेक न्यूज लाया ही हूँ, तो चलिए टेक न्यूज एपिसोड 100 स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। और वो पहली खबर है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi Mi 10 एंड Mi 10 Pro के स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस बाहर आ चुकी है। मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन पहले बता देता हूँ। तो Mi 10 एंड Mi 10 Pro दोनों ही फोन्स में हमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसका रिफ्रेश रेट होने वाला है 90 हर्ट्ज। दोनों में ही हमें स्नैपड्रैगन A65 का प्रोसेसर मिलने वाला है। Mi 10 में हमें IMX686 का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है, 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलने वाला है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी मिलने वाला है। Mi 10 Pro में हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 48 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ये सेंसर हमें मिलने वाला है। दोनों में ही हमें क्वाड कैमरा मिलने वाला है। दोनों ही फोन्स में हमें 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है। Mi 10 को हम चार्ज कर पाएंगे 40 वोट के फास्ट चार्जिंग से एंड 30 वोट के वायरलेस चार्जिंग से। Mi 10 Pro को हम चार्ज कर पाएंगे 66 वोट के फास्ट चार्जर से एंड 40 वोट के वायरलेस चार्जर से। और इन दोनों की प्राइस स्टार्ट होती है, Mi 10 की स्टार्टिंग प्राइस है 31,000 रुपीज एंड हाई एंड वेरिएंट की प्राइस है 36,000 रुपीज। Mi 10 Pro की स्टार्टिंग प्राइस है 38,000 रुपीज एंड Mi 10 Pro के हायर वेरिएंट की प्राइस है 45,000 रुपीज। तो आपको इसके स्पेसिफिकेशन एंड इसकी प्राइस कैसी लगी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता ही देना। और ये 100 एपिसोड ऑफ टेक न्यूज के लिए तो लाइक बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ही देना। अगली न्यूज है एप्पल की तरफ से। हमें पता है कि एप्पल हर साल प्रोडक्ट रेट के साथ अपने नए आईफोन लॉन्च करता ही है, और उनके डेटाबेस से आज पता चला है कि एप्पल वॉच प्रोडक्ट रेट भी लॉन्च हो सकती है, और ये लॉन्च होने वाली है स्प्रिंग 2020 में, ये शायद लॉन्च हो सकती है। तो क्या आप एप्पल वॉच प्रोडक्ट रेट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फ्लिपकार्ट ने आज न्यू ईयर सेल अनाउंस कर दी है, और ये स्टार्ट होने वाली है आज रात 12 बजे से। वहां पर हमें बहुत सारी डील्स मिलती है बहुत सारे अप्लायंसेस पर। अगर आपको न्यू ईयर के लिए कुछ लेना हो तो आप फ्लिपकार्ट की इस सेल से जरूर खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर उन्होंने डील्स रखी है, तो आप यहाँ से जरूर खरीद सकते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि Xiaomi ने अनाउंस की है Mi Watch Color, और आज उसके रिटेल बॉक्स की पिक्चर लीक हो चुकी है, जहां से हमें उसके स्पेसिफिकेशन पता चलते हैं। तो इसमें हमें 1.39 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जहां पर हमें ब्लूटूथ 5.0 भी मिलता है, NFC का सपोर्ट भी मिलता है, GPS का सपोर्ट भी मिलता है, और ये एक वाटर रेजिस्टेंट स्मार्ट वॉच है, जहां पर हमें 420 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि चलने वाली है 14 डेज तक। इसकी प्राइस अभी पता नहीं चली है, जैसे ही पता चलेगी मैं आपको बता ही दूंगा। Vivo ने एक नया पेटेंट फाइल किया है, और इस पेटेंट के हिसाब से हमें इसमें क्वाड कैमरास मिलने वाले हैं। क्वाड रियर कैमरास नहीं, बल्कि क्वाड फ्रंट फेसिंग कैमरास, वो भी पंच होल डिजाइन में। तो आपको ये Vivo का पेटेंट कैसा लगा, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता ही देना। आज Realme ने Realme 5i की लॉन्चिंग डेट अनाउंस कर दी है, और ये Realme 5i लॉन्च होने वाला है 6 जनवरी को वियतनाम में, और इसकी एक पिक्चर भी बाहर आई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये फोन सिमिलर लग रहा है Realme 5 Pro जैसा ही, जहां पर हमें क्वाड रियर कैमरा दिख रहे हैं, बट इसमें हमें डायमंड कट डिजाइन नहीं बल्कि दिख रही है प्लेन डिजाइन। तो आपको ये Realme 5i कैसा लगा, आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता ही देना।
सैमसंग की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सैमसंग CES 2020 में लॉन्च करने वाला है दुनिया का पहला टीवी जिसमें हमें बेजल्स दिखने ही नहीं वाला है। नो बेजल्स के साथ लॉन्च होने वाला है ये सैमसंग का टीवी CES 2020 में। तो क्या आप सैमसंग के इस टीवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताई देना। मैं तो बहुत इसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि नो बेजल्स के साथ सैमसंग का टीवी वो भी CES 2020 में बहुत मजा आने ही वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी और ये वीडियो हमारा 2019 का लास्ट वीडियो है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और ये एपिसोड के साथ हमने कंप्लीट कर लिए है 100 एपिसोड ऑफ टेक न्यूज। तो अगर आपको मेरा ये टेक न्यूज एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।